सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के मूल भावनाओं से उत्प्राणित जैन धर्म भारत का एक प्राचीन धर्म है, जो परस्परोग्रहो जीवनाम के मूल सिद्धांत पर अवलंबित है। इस धर्म में अभी तक 24 तीर्थंकरों यानी धर्म गुरुओं का आविर्भाव हुआ है, जिसमें प्रथम ऋषभनाथ और 24वें भगवान महावीर हुए हैं। अतः जैन धर्म प्राचीन भारत के प्रदर्श और स्थापत्य कलाओं में प्रारंभ से ही प्रतिबिंबित होता रहा है। मूर्ति कला के विकास के साथ साथ जैन मूर्तियों की शैली और प्रस्तुतिकरण में भी समानांतर विकास हुआ है। 1937 के पूर्व मथुरा से प्राप्त कुषाण काल की जैन एवं बौद्ध प्रतिमाएं और पूजन पट भारत में पाई गई प्राचीनतम धार्मिक मूर्तियां मानी जाती थी, किंतु 1937 में लोहानीपुर टोरसो के प्रकाश में आने के बाद यह स्थापित हो चुका है कि मथुरा से पहले प्राचीन पाटलिपुत्र जैन प्रतिमाओं के निर्माण का केंद्र हुआ करता था। 16 फरवरी 1937 को पटना के लोहानीपुर में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने 2 नग्न पुरुष मूर्तियों को प्राप्त किया था, जिनके सर और पैर के भाग नहीं थे। बड़ी मूर्ति पर मोरिन पॉलिस है, जिसे हम लोहानीपुर जैन तीर्थंकर या लोहानीपुर टोरसो के नाम से जानते हैं। दूसरी छोटी मूर्ति है, जिस पर पॉलिस नहीं है। दोनों मूर्तियां एक दूसरे की प्रतिकृति तो नहीं, किंतु काफी हद तक एक दूसरे के समान हैं। डॉक्टर जायसवाल ने प्राप्ति स्थल की खुदाई भी करवाई, जिससे पता चला कि ये मूर्तियां एक चौकोर मंदिर में स्थापित रही होंगी, जो मौर्यकालीन ईंटों का बना हुआ था। मंदिर के नींव में एक मौर्यकालीन रजत मुद्रा भी पाई गई थी। यह प्रतिमा 1937 में पटना के लोहानीपुर से प्राप्त हुई थी। ये जैन तीर्थांकर की प्रतिमा है। जैन तीर्थांकर की जो प्रतिमा की जो विशेषता होती है, उसमें खास करके जैन तीर्थांकर को कयोत्सर्ग मुद्रा में दिखाया जाता है। कयोत्सर्ग मुद्रा में जो होता है, बांह नीचे की ओर होता है, बांह अजान बाहु होते हैं, जो घुटने से लंबे हुआ करते थे, लेकिन यहाँ बांह खंडित है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये कयोत्सर्ग मुद्रा में है। फिर दूसरा फीचर्स जो जैन तीर्थंकर की जो है, वो न्यूड नग्न होने की आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूड प्रतिमा है। और तीसरा जो एक प्रतीक माना जाता है, इनके सीने पे श्री वत्स का अंकन, वो यहाँ पे मिसिंग है। लेकिन यहाँ पे दो फीचर, एक कयोत्सर्ग मुद्रा और न्यूड, ये यहाँ से ये इन दोनों से स्पष्ट होता है कि ये जैन तीर्थंकर की हैं, और श्री वत्स का अंकन नहीं होना ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जैन तीर्थंकर की प्रारंभिक प्रतिमा थी। और प्रारंभिक प्रतिमा में ऐसे जैन तीर्थंकरों के जो श्री वत्स के अंकन होते थे, उनका अंकन नहीं किया गया। मौर्यकालीन प्रतिमाओं के जो सारे लक्षण हैं इसमें देखे जा सकते हैं। ये चुनार सैंडस्टोन की बनी हुई है। चुनार उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के पास से ये पत्थर निकाले जाते थे और फिर तराश के बनाए जाते थे। ये राउंड ऑफ फिगर बनी हुई है। आगे के साथ साथ पीछे का भी पूर्ण रूपेण अंकन किया गया है। तीसरी विशेषता मौर्यकालीन जो हुआ करती थी, इन पे एक विशेष प्रकार की चमक होती थी, जो मौर्यन पॉलिस के नाम से जानी जाती है, वो इनके ऊपर देखा जा सकता है। और चौथी जो ये आदमकद प्रतिमा है, तो ये जो मूल फीचर हैं यहाँ पे मौर्यकालीन, वो पूर्ण रूपेण देखा जा सकता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये प्रतिमा 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य काल की बनी हुई है। लोहानीपुर टोरसो के मौर्यकालीन होने के पुरातात्विक प्रमाणों के अतिरिक्त साहित्यिक प्रमाण भी उपलब्ध हैं। प्राचीन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से जैन धर्म स्वीकार करने का उल्लेख मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल आया था। इस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य भद्रवाहु के संपर्क में आते हैं और उनसे जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद वो श्रवण बाल गोला चले जाते हैं और संलेखन विधि यानी अन्न जल त्याग करके अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। जैन साहित्य के अनुसार अशोक के पौत्र संप्राति भी एक जैन धर्मावलंबी था, जिसने जैन धर्म को शासकीय संरक्षण दिया तथा तीर्थंकर की मूर्तियों को संपूर्ण भारत में फैलाया। इसलिए प्रस्तर कला के आरंभ होने के बाद
मौर्य काल में जैन प्रतिमाओं के निर्माण की संभावना प्रबल है। अतः निष्कर्ष के रूप में लुहानीपुर टोरसो के नाम से प्रसिद्ध इस मूर्ति को आज दुनिया की सबसे पुरानी जैन मूर्ति होने का गौरव प्राप्त है।